तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग मेरे गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कि आप लोग मेरे गिल्ड में कैसे आ सकते हो और मेरे गिल्ड में आने की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग मेरे गिल्ड में कैसे आ सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ बंदे मुझसे मेरी UID पूछ रहे थे। तो सबसे पहले आपको मैं अपनी UID बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेरी UID दिख रही होगी, तो मेरी UID है 2341329715। तो जो भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं फटाफट जाके भेज दो। तो चलो अब मैं आपको सबसे पहले अपने गिल्ड में आने की रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि मेरे गिल्ड में आने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि चाहे आप किसी भी दिन गेम मत खेलो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपका मन नहीं है तो आप गेम नहीं खेलो, लेकिन आपको फ्राइडे के दिन 2-3 घंटा गेम खेलना ही पड़ेगा। मतलब कि ये मैंडेटरी है, आपको फ्राइडे के दिन 2-3 घंटा गेम खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा फ्राइडे के दिन डॉक्टर कंप्लीट होता है, तो इसलिए आपको फ्राइडे के दिन गेम खेलना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गई पहली रिक्वायरमेंट। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ और रिक्वायरमेंट के बारे में बता देता हूँ, लेकिन गाइज उससे पहले मैं आपको अपना गिल्ड दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा गिल्ड जिसका नाम मैंने GKV गेमर रखा है, और इस गिल्ड का जो लेवल है वो लेवल 3 होने वाला है। बस 10,000 पॉइंट और चाहिए, उसके बाद मेरा गिल्ड लेवल 3 का हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको मेंबर लिस्ट में चल के दिखा देता हूँ कि अभी इस गिल्ड में कौन कौन है। तो गाइज अभी फिलहाल तो इस गिल्ड में मेरे अलावा कोई नहीं है। तो इस गिल्ड में 4-5 लोग थे, लेकिन वो बहुत दिन से ऑनलाइन नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको किक आउट कर दिया। तो अभी मेरे गिल्ड में 24 लोगों की जगह खाली है, मतलब कि अभी मेरे गिल्ड में 24 लोग आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आप लोग मेरे गिल्ड में कैसे आ सकते हो। तो पहले रिक्वायरमेंट तो आप लोगों को पता चली गई होगी कि आपको फ्राइडे के दिन 2-3 घंटा गेम खेलना जरूरी है। और उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो लेवल है लेवल कम से कम 40 होना चाहिए, और आपका जो रैंक है वो कम से कम प्लैटिनम 1 होना चाहिए। तो अगर आपका लेवल 40 या उससे ज़्यादा है और अगर आपका रैंक प्लैटिनम 1 या उससे ज़्यादा है तो आप लोग मेरे गिल्ड में आ सकते हो। तो बस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी गिल्ड आईडी दिख रही होगी, तो फटाफट जाओ मुझे रिक्वेस्ट भेजो और उसके बाद आप मेरे गिल्ड में ऑटोमेटिक से आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो अप्रूवल मेथड है वो मैंने ऑटो रखा है। और जिसका भी लेवल 40 होगा या उससे ज़्यादा होगा और जिसका भी रैंक प्लैटिनम 1 या उससे ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिक से मेरे गिल्ड में आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे सिर्फ 24 लोग का जगह खाली है, तो जो भी आना चाहते हो मेरे गिल्ड में फटाफट आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जब गिल्ड पूरा हो जाएगा तो कोई भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यही सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट मैंने रखा है मेरे गिल्ड में आने के लिए। तो अब जो लोग भी आना चाहते हो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी गिल्ड आईडी दिख रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना गिल्ड आईडी दे दूंगा। तो जो लोग भी आना चाहते हो तो फटाफट आ जाओ। और अगर आप लोग मेरे गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, वो ये है कि मैं आपके साथ गेम्स खेलूंगा। तो गाइज देखो मेरा जो फ्रेंड लिस्ट है वो पूरा फुल हो चुका है, तो इसलिए मैं किसी के फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो लोग भी मेरे साथ खेलना चाहते हो तो वो लोग मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। उसके बाद मुझे जितना भी टाइम मिलेगा आधे घंटे का मैं उतना आप लोगों के साथ खेल लूंगा। तो गाइज आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आप लोग मेरे गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना।